आप सब जानते हैं कि माननीय वड़ा प्रधान श्री जब यहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से लेकर अभी तक उन्होंने जाहिर जीवन में 23 ईयर्स यानी कि 23 साल उन्होंने पूरे किए हैं। तो ये 23 सालों में उन्होंने जो काम किया गुजरात के लिए और पूरे भारत देश के लिए, जो जो विकास का काम किया, वो राज्य सरकार ने ऐसा निर्णय लिया कि पूरे राज्य में एक विकास सप्ताह की उजवनी करनी चाहिए। उसके तहत 7 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक पूरे राज्य में ये विकास सप्ताह का आयोजन किया है। विकास सप्ताह में जो पिछले 23 सालों में जो जो यहाँ पूरे राज्य में विकास के काम हुए, विकास के काम माने लोगों की जो जन जीवन की सुविधाएं बढ़ी है, पानी की समस्याएं है, रोड रस्ता गटर चाहे कोई भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सभी लोगों के लिए जो किया है उसको एक लोगों तक, ऐसा नहीं है कि भाई काम होता है लेकिन उसको लोगों तक पहुंचाना भी जरूरी है। मैं यहाँ की बात करूँ, शायद हमारे लिए एक नई बात होगी कि आपने सुना नहीं होगा कि कोई एक रोड 129 करोड़ का होगा। ये सरकार की एक उपलब्धि है। यहाँ आप जानते हैं रापर में एकल और भाबण का करके विलेज है, ये दोनों विलेज को कनेक्ट करने के लिए राज्य सरकार ने 129 करोड़ का काम दिया है। तो ये एक सरकार की उपलब्धि है, मैं ऐसा समझता हूँ। तो ये विकास सप्ताह जो है उसने ऐसे ही काम लोगों तक पहुँचाने हैं, इसलिए आज यह कार्यक्रम हुआ है। और आज इसकी जो पूर्णाहुति है उसमें पद यात्रा हमने निकाली थी। पद यात्रा आज पूरे राज्य में 23 प्लेसेस पर थी, उसमें से कच्छ डिस्ट्रिक्ट के हमारे दो जो आइकॉनिक प्लेस है, पवित्र भूमि है, एक मांडवी में क्रांतिवीर श्यामजी कृष्ण वर्मा जी की जो पवित्र भूमि है वहाँ पर था, और शाम को अभी यहाँ हमारे स्मृति वन में कार्यक्रम था। इसके तैयारी के रूप में यहाँ पदयात्रा हुई और साथ साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। नमस्ते, मैं मनोज पांडे। आज सप्ताह दिवस के शुभ अवसर पे स्मृति वन में बहुत बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम और पदयात्रा का आयोजन किया गया है। माननीय अपने कलेक्टर साहब ने बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पे करवाया है। आज 7 अक्टूबर 2001 में माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था। उस समय उनके सामने कच्छ में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उसके कुछ समय पहले ही 26 जनवरी 2001 में यहाँ एक बहुत बड़ा विनाशक भूकंप आया था, जो इतनी बड़ी चुनौती थी कि प्रधानमंत्री जी के अच्छे नेतृत्व और सूझबूझ से यहाँ का जो विकास किया गया है और जो स्मृति वन बनाया गया है, 12,932 लोग जो यहाँ पे विनाशक भूकंप में मारे गए थे उनके लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में दिया गया है। आज प्रधानमंत्री जी के सप्ताह दिवस पे स्मृति वन में बहुत बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया गया। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, धारा सभ्य केशु भाई पटेल, अपने कलेक्टर साहब, जिला विकास अधिकारी और बहुत से महान गण लोग यहाँ पे उपस्थित रहे। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत